वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 21 सितंबर 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए इस पेज पर चार आर्टिकल्स हैं जिसमें से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, वन पीपल मेनी कंट्रीज, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा पोलिटिकल डायमेंशन ज़्यादा लिया गया है। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉरपोरेट टैक्सेस में कमी करी है ताकि इंडिया की इकॉनमी को रिवाइव किया जा सके और ट्रेड वॉर का फायदा भी उठाया जा सके। तो इस आर्टिकल पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल बताता है कि अभी तक सरकार ने इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए जो भी कदम उठाए वो अर्बन इंडिया पर सेंटर्ड थे। सरकार अभी रिव्यू कर रही है रूरल एरियाज़ में कंजम्पशन पैटर्न को, जिसके बेसिस पर वेजेस को बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि सरकार रूरल एरियाज़ में स्टिमुलस पे वर्क कर रही है। इस आर्टिकल पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल एक पार्लियामेंट बजट ऑफिस को एडवोकेट करता है। आर्टिकल कहता है एक पार्लियामेंट बजट ऑफिस होना चाहिए जो सरकार के एस्टिमेट्स को अच्छी तरीके से इवेल्युएट करे इंडिपेंडेंटली, जिसका फ़ायदा अदर पार्लियामेंटेरियंस भी उठा सकें और हम वोटर्स भी उठा सकें और जान सकें कि एक्चुअली में क्या सिनेरियो चल रहा है। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज पर एक आर्टिकल हमने कल स्किप किया था, वो भी आज हम कवर करेंगे। इस पेज पर ग्राउंड जीरो है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ये कोर्सेज हैं जो ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं, आप इसे अवेल कर सकते हैं। अभी हाल ही में कम्प्रहेंसिव प्रिलिम्स कोर्स लॉन्च किया गया है कल से, जिसमें आपके प्रिलिम्स के वो सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर, इन सभी को प्रिलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर किया जाएगा। ये आपके सिलेबस का वो हिस्सा है जो प्रिलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। सिलेबस का वो हिस्सा जो सिर्फ मेंस में पूछा जाता है वो मेंस बूस्टर प्रोग्राम में कवर किया जा चुका है। तो आप इस प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं। ये भी लेटेस्ट प्रोग्राम है, आप इसे ले सकते हैं। ये भी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अगर आप इन दोनों प्रोग्राम्स को एक साथ लेना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपकी फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिए हुए हैं तो आपके लिए ऑप्शनल का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अगर आप इस प्रिलिम्स के कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज़ अवेल करना चाहते हैं तो इस प्रिलिम्स के कोर्स और टेस्ट सीरीज़ को एक साथ आप इस कोर्स में अवेल कर सकते हैं। और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी आपके द्वारा ली जा सकती है, जिसकी फ़ीस महज 1600 रुपये है। इसमें 6 टेस्ट हो चुके हैं, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टेस्ट सीरीज़ अवेल करने के बाद अपनी सुविधा अनुसार बीते गए टेस्ट को दे सकते हैं और बाकी के टेस्ट ऑन शेड्यूल दे सकते हैं। तो ये कोर्सेज के बारे में जानकारी, इन्हें अवेल करने के लिए आपको video.onlyis.in पे विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, एन इंडिपेंडेंट फिस्कल वॉच डॉग फॉर पार्लियामेंट। पेपर 2 से टॉपिक को इस टॉपिक के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल वॉच डॉग होना चाहिए जो पार्लियामेंट को असिस्ट करे, सरकार के फिस्कल मैटर्स की जानकारी दे। पार्लियामेंट बजट ऑफिस, इस वॉच डॉग का नाम रखा जा सकता है PBO। फिर से रिपीट करता हूँ, PBO, पार्लियामेंट बजट ऑफिस। ये बेहतर तरीके से बहुत फोकस्ड डिबेट प्रोवाइड करवाएगा मीडिया को और इलेक्टोरेट को भी। देखिए, जब इलेक्शंस आते हैं तो हम सभी बड़े उत्साह के साथ वोट करने जाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वोटिंग करते हैं, लेकिन समझिए कि बैकग्राउंड में वर्क क्या करता है। हम बैलेट बॉक्स तक पहुंचते कैसे हैं, इसमें कई सारी चीज़ें वर्क करती हैं। मंथ्स एंड ईयर्स का डेटा जो हमने कन्वर्सेशंस के जरिए, न्यूज़ डिबेट्स के जरिए गैदर किया होता है, ओपिनियंस, ये सभी हमारे वोटिंग बिहेवियर को शेप करते हैं। फैक्ट्स एंड एविडेंस जो हम गैदर करते हैं वो भी हमारे वोटिंग बिहेवियर को शेप करते हैं। इसके आधार पर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और वोटिंग करके आ जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि हमारी वोटिंग सही हो, हम सही कैंडिडेट का चुनाव करें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो फैक्ट्स, एविडेंसेस, ओपिनियंस, कन्वर्सेशंस जो हमारे वोटिंग बिहेवियर को शेप कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट और नॉन पार्टीशन सोर्सेस से अवेल किए गए हों। अगर वो फैक्ट्स और एविडेंसेस ही डिस्टॉर्टेड हैं तो आपका ओपिनियन और आपका वोटिंग बिहेवियर भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये केवल एक वोटर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी ज़रूरी है। सरकार या गवर्नमेंट डोमेन में जो डेटा होता है वो हर पार्लियामेंटेरियन के लिए एक्सेसिबल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते, वो अदर पार्टी से बिलोंग करते हैं जो या तो अपोजिशन में है या पोजिशन में भी नहीं है। तो वो पार्लियामेंटेरियंस डिबेट एंड डिस्कशंस में सही तरीके से अपना ओपिनियन नहीं रख पाते, बिकॉज उनके पास डेटा का वो एक्सेस नहीं होता जो सरकार को होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता है जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट मैनर में जो फिस्कल डेटा है उसे गैदर करे, पब्लिक डोमेन में लेकर आए और पार्लियामेंटेरियंस को भी प्रोवाइड करवाए। ऐसा ऑफिस PBO हो सकता है, पार्लियामेंट बजट ऑफिस हो सकता है। ऐसे किसी भी ऑफिस में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाए
वो पॉलिटिकल एलिजियंस यानी कि राजनीतिक निष्ठा या फिर एक्सपीडियंसी राजनीतिक सुविधा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि उनकी बजटरी फिस्कल और इकोनॉमिक मैटर्स में एक्सपर्टीज के बेसिस पर किया जाए। तो कुल मिलाकर राइटर ये कहना चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट और अच्छा डेटा गैदर करने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस को डिबेट में मदद करे, न्यूज़ डिबेट उस डेटा के बेसिस पर ज़्यादा क्रेडिबल हो जाए और आप उन डेटास के बेसिस पर, उन फैक्ट्स के बेसिस पर, एविडेंसेस के बेसिस पर अपना सही ओपिनियन, अपना वोटिंग बिहेवियर शेप कर सकें। इसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की ज़रूरत है जिसका नाम हो सकता है पार्लियामेंट बजट ऑफिस। ठीक है, देखिए मेजॉरिटी में जो सरकारें होती हैं चाहे वो माइनॉरिटी में सरकारें होती हैं, सभी चाहते हैं कि जो उनके पास बैकग्राउंड में डेटा हो वो ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट हो, सही हो, जिसके आधार पर न्यूज़ डिबेट्स या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट्स अच्छी तरीके से कंडक्ट किए जा सकें। पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस इसमें मदद कर सकता है। ये बॉडीज नेशनल डिबेट को या फिर नेशनल डिस्कोर्स को और बेहतर बनाएंगे। वो नेशन के फाइनेंसेस और फिस्कल इम्प्लिकेशंस के बारे में, प्रस्तावों के बारे में सही जानकारी लोगों को देंगे। अगर पीबीओ बेहतर तरीके से काम करता है पब्लिक स्फीयर में, तो ये और बेहतर तरीके से मीडिया को भी और इलेक्टोरेट को भी डेटा एक्सेसिबिलिटी दे देगा। यहाँ पर एविडेंस बेस्ड डिस्कशन की बहुत कमी है इंडिया में। सारी बातें इस तरीके से चलती हैं कि फैक्ट और फिक्शन में अंतर ही खत्म हो जाता है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये बात तथ्यात्मक रूप से की जा रही है या एक किसी व्यक्ति का ओपिनियन मात्र है। ये अंतर खत्म हो जाता है, इसीलिए हम अपना ओपिनियन शेप नहीं कर पाते। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, राफेल डील के बारे में बात करते हैं जिसे डिसॉल्ट एविएशन से खरीदा जा रहा है। ये कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट था। अब सरकार से पूछा गया कि आखिर पूरे राफेल डील में जितने भी हम फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं उनकी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगी, मतलब उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होगी, पूरे दौरान जब तक वो इंडिया में ऑपरेट करेंगे कितना खर्चा उनके ऊपर आएगा। सरकार ने हमें कुछ एक डेटा दिया कितना खर्चा आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि वो जो सरकार ने एस्टिमेशन बताया वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस पीबीओ की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया में कोई नया इनोवेशन होगा। कई सारे देशों में ये बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एक एग्जाम्पल ऐसा ही सिमिलर लेते हैं। 2011 में कनाडा का जो पीबीओ है उसने कनाडा का जो एक परचेज था F-35 जेट्स का, उसके बारे में कुछ एस्टिमेशन रिवील किया। वहाँ पर से भी सरकार से पूछा गया, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस से ये पूछा गया कि आप बताइए कि कितना खर्चा आ जाएगा F-35 जेट्स के पूरे लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगी। उन्होंने जो बताया उसके बाद जो पीबीओ ने एनालिसिस किया उसमें काफ़ी अंतर आया। पीबीओ ने बताया कि खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है, सरकार उस खर्चे को कम बता रही है। अब इसके ज़रिए लोग सरकार को अकाउंटेबल बना सकते हैं कि देखिए पीवीओ ने इंडिपेंडेंटली बोला है कि इसका खर्चा इतना ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए कि ये डील कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, कितनी बेहतर है कनाडा के लिए। तो ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया में भी अगर पीवीओ हो तो वो सिग्निफिकेंटली अच्छी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फिस्कल इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस में दे सकता है इंडिया के लोगों को, मीडिया हाउसेस को, अदर पार्लियामेंटेरियंस को। तो देखिए जैसा कि हमने देखा कि कनाडा का जो पीवीओ है उसने F-35 जेट्स की लाइफ साइकिल कॉस्ट को लेकर सरकार से विपरीत ओपिनियन रखा। उन्होंने कहा कि सरकार खर्चा कम बता रही है, खर्चा ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीबीओ हैं वो हमेशा सरकार के अपोजिट ओपिनियन रखते हैं, सरकार को हमेशा चैलेंज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिक और फिस्कल प्रोजेक्शंस सरकार देती है वही लगभग पीबीओ भी देता है। ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेटा सोर्सेस, जो इकोनॉमिक मेथडोलॉजी सरकार अपनाती है वही तो पीबीओ भी अपनाता है। अगर सरकार सही एस्टिमेशन दे रही है तो पीबीओ का भी एस्टिमेशन वही होगा, अलग नहीं होगा। देखिए जब तक पीबीओ जैसी कोई इंडिपेंडेंट या नॉन पार्टीशन ऑफिस ना हो, बॉडी ना हो, तब तक ये डिटरमाइन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो डेटा पार्लियामेंटेरियंस के लिए अवेलेबल है वो सही है या नहीं है। क्या वो डेटा इतना क्रेडिबल है कि वो उस पर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब देखिए होता यह है कि सरकार के सामने जब ये क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि आपके प्रोजेक्शंस गलत हैं, तो सरकार सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बोलती है कि आप फर्दर रिसर्च एनालिसिस करिए और देखिए कि जो प्रोजेक्शन बताया जा रहा है वो कितना सही कितना गलत है। लेकिन अब ये सुविधा पार्लियामेंटेरियंस के लिए तो अवेलेबल नहीं होती कि वो हमेशा, उनके पास सिविल सर्वेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं जिनके जरिए वो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करवा पाएँ। ये एक्सेसिबिलिटी उनके लिए नहीं होती, इसीलिए वो यूजुअली डिबेट एंड डिस्कशंस में बहुत ही ख़राब क्वालिटी के थर्ड पार्टी डेटा पर रिलाई करते हैं, जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए। उनके पास भी क्रेडिबल सोर्स से क्रेडिबल डेटा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सरकार को अकाउंटेबल बना सकें और एक अच्छी डिबेट भी की जा सके। यहाँ पर एक बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो अक्सर अराइज होता है, वो ये है कि जब ऑडिटर जनरल का ऑफिस है जिसका यही काम है कि वो देखें कि जो प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सही है या नहीं है, तो आखिर एक नई बॉडी की आवश्यकता है क्या। इसकी आवश्यकता इसलिए है बिकॉज यूजुअली हम ऑडिटर जनरल का जो रोल है उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऑडिटर जनरल का जो काम है वो बेसिकली
फाइनेंशियल अकाउंट्स को एनालाइज करना तो होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑपरेशंस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, जिसमें उनका फोकस डे टू डे फंक्शनिंग पर होता है, और सेंटर में उनके होते हैं सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्विसेज में जो परफॉर्मेंस दिया जा रहा है वो उसको एनालाइज करते हैं, वो किसी प्रोजेक्ट को या किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक सिनेरियो में जो डेटा है, जो प्रोजेक्शंस हैं, उनको एनालाइज नहीं करते। इसीलिए जो काम पीबीओ के लिए बताया जा रहा है वो काम एजी नहीं करता, ऑडिटर जनरल नहीं करता। तो ये आर्गुमेंट देना कि ऑडिटर जनरल है तो पीबीओ की ज़रूरत क्या है, ये गलत है। हमें एक पीबीओ चाहिए जो फिस्कल प्रोजेक्शंस को और बेहतर तरीके से हमारे सामने रख सके, और ऑडिटर जनरल से ये पद काफ़ी अलग हो जाता है, जो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने विद फैक्ट्स रख सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कई तरीके के ऑफिस कई सारे देशों में ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट ऑफिस का नाम आता है कांग्रेशनल बजट ऑफिस, जो बिल्कुल वही काम करता है जिस पर अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। ये ऑफिस यूनाइटेड स्टेट्स में वर्क करता है। इसके अलावा नीदरलैंड्स, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसे ही ऑफिसेस अलग अलग टर्म के लिए डिसाइड किए गए हैं। जो पीबीओज हैं इनफैक्ट वो कुछ इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे कि सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और अभी हाल ही में कनाडा में जो पीबीओज हैं, उन्होंने इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों को अवेयर करने में बहुत ही की रोल प्ले किया है। इस समय जो पीबीओज हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट और बेहतर तरीके से कॉस्ट एस्टिमेट्स देते हैं, जिस जो कि इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से वर्क करता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अकाउंटेबल बनाता है। ठीक है, कंक्लूजन में ये बोला गया है कि बजट 2020 प्रपोज करने की तैयारी शुरू हो गई होगी, डिपार्टमेंट से डेटा वगैरह मांगा जाने लगा होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम पीबीओ के इस केस को और गंभीरता से लें कि आखिर इंडिया में एक पीबीओ होना चाहिए और इस दिशा में हमें अर्जेंटली वर्क करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। एक क्वेश्चन आपके लिए मीन्स का है, अ पार्लियामेंट बजट ऑफिस अ पीबीओ कैन हेल्प ड्राइव स्मार्टर मोर फोकस्ड डिबेट इन द मीडिया एंड विद द इलेक्टोरेट, डू यू एग्री? कमेंट करिए 200 शब्दों में। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल अ डीप कट, आप इस आर्टिकल को पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, सरकार ने एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करते हुए एक सख्त फैसला लिया है, कॉरपोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है। स्थिति ये चल रही थी कि इकोनॉमिक कंडीशन, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है, पिछले 4 क्वार्टर से ग्रोथ लगातार कम होती चली गई, और अभी लेटेस्ट क्वार्टर का जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल हुआ उसमें इंडिया की ग्रोथ को 5% बताया गया। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि वो इंडियन इकॉनमी को रिवाइव करें। एट द सेम टाइम यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते जो यूएसए की कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश किए हुए थे वो दूसरे देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया में भी ये यूनिट्स आएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ये यूनिट्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्टैब्लिश हो रही हैं, बिकॉज इंडिया में जो कॉरपोरेट टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, 30% है जो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। जो पहले से कॉरपोरेट्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स 30% था, और जो नए कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जा रही हैं, उनके लिए भी जो टैक्स था वो 25% था। ऐसी स्थिति में ये कंपनीज़ इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे। इन दोनों कारणों को संज्ञान में लेते हुए अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो कॉरपोरेट टैक्स है उसे बहुत बड़ी मात्रा में कम कर दिया गया, ताकि इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले और दुनिया भर से जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करें। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इंडियन इकॉनमी के रिवाइव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 30% हुआ करता था उसे घटाकर 22% कर दिया गया है। इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब ये होता है कि कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर इन कंपनीज से कुछ सेस और सरचार्ज भी लिया जाता है, जिसके बाद पहले 30% कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता था इन कंपनीज को, और कुछ सेस और सरचार्ज मिलाकर लगभग इनका टैक्स 35% हो जाता था, 34.94%। अब ये इफेक्टिव टैक्स रेट जब इसे घटा के 22% कर दिया गया है तो टोटल 25.17% हो जाएगा, मतलब इन कंपनीज को अब लगभग 10% कम टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली जो नई कंपनीज हैं जो 1 अक्टूबर के बाद एग्जिस्टेंस में आएंगी और जिनकी यूनिट 31 मार्च 2023 के पहले कंप्लीट भी हो जाएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, उन्हें जहां पहले 25% टैक्स पे करना होता था अब केवल 15% टैक्स पे करना होगा। जहां उनका पहले इफेक्टिव टैक्स रेट था वो काफ़ी 27% के आसपास हो जाता था, वो अब 17.01% हो जाएगा, मतलब उन्हें लगभग पहले उनका जो रेट था वो लगभग 29% के आसपास चला जाता था, अब वो 17% पर आ जाएगा, लगभग 12% पॉइंट का फ़ायदा इन नई यूनिट्स को भी होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि जो यूनिट्स हैं वो तेज़ी से इंडिया की ओर अट्रैक्ट होंगी, और इंडिया में जो कंजम्पशन है, जो प्रोडक्शन है इनफैक्ट वो बढ़ेगा, देन डिमांड भी बढ़ेगी और कंजम्पशन रेट भी बढ़ेगा। कंजम्पशन के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
इस आइडिया के पीछे दो कारण थे, पहला तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गैदर करना, और दूसरा ये अनस्टेटेड इंटेंशन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं चाइना यूएसए के ट्रेड वॉर की वजह से, वो इंडिया में भी आएँ, इंडिया में उनको कम टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। इंडिया ने तो अपना काम कर दिया, कॉरपोरेट्स की जो बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है उसे कम किया जाए, ये एक सख्त फैसला था क्योंकि इससे सरकार का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने ये फैसला किया, टैक्स को कम कर दिया गया है। अब तो इन ग्लोबल कंपनीज और ये जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो इस टैक्स रेट के कम होने का फ़ायदा कैसे उठाएंगे और इंडिया की ग्रोथ को कैसे रिवाइव किया जाएगा। नुकसान क्या होगा इस टैक्स रेट को कम करने के बाद? सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसे कंपनसेट कैसे करेंगे? अभी सरकार ने RBI से 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ अचीव किए हैं, रिसीव किए हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत तो कंपनसेशन उन्हें इस बार तो मिल ही जाएगा। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार 1,05,000 करोड़ रुपीज़ अवेल कर सकती है। तो ये कुछ एक सोर्सेस हैं जिससे सरकार अपने इस नुकसान को रिकवर कर सकती है। शॉर्ट टर्म में सरकार इसे हैंडल करेगी, लॉन्ग टर्म में उम्मीद है या मीडियम टर्म में उम्मीद है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का, ये फ़ायदेमंद साबित होगा और इंडिया की इकॉनमी रिवाइव करेगी। हालांकि ये इजी नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर टैक्स कट्स मीडियम टर्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में सरकार को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। सरकार को इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है। ऑल्दो द कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हैव एंथुसिएस्ट कॉर्पोरेट इंडिया, उन्होंने उत्साहित किया है कॉर्पोरेट्स जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं उनको, बट देर आर मेनी फिजिकल चैलेंजेस विच गवर्नमेंट हैव टू डील विद। What are these challenges and how can India handle these challenges? Discuss करिए इस question को 250 शब्दों में। देखते हैं अगला article। अगला article a rural stimulus। Paper 3 से topic को जोड़ा जा सकता है इस topic से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जब मनरेगा में लोग काम करते हैं तो उन्हें एक वेज दिया जाता है। वो वेज किस आधार पर दिया जाता होगा? Can you understand? अभी जो वेज दिया जाता है मनरेगा में काम करने वाले लोगों को, दैट इज 148 रुपीज पर डे। अब ये दिया इस बेसिस पर जाता है कि वो कितना कंज्यूम करते हैं, एक हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करता है, फूड प्रोडक्ट्स पर वो कितना खर्चा करते हैं, उसी बेसिस पर उनके डेली वेज को डिसाइड कर दिया जाता है। समझने वाली बात ये है कि जिन पैरामीटर्स पे इसे डिसाइड किया जाता है वो पैरामीटर्स आज से 30 साल पहले डिसाइड किए गए थे और तब से रिवाइज नहीं किए गए हैं। आज खर्चे कितने अलग तरीके से बढ़ चुके हैं। आज रूरल एरिया में रहने वाला एक परिवार भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, टेलीकॉम सर्विसेज पे वो पैसे खर्च कर रहा है, और भी कई तरीके की चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं, मोबाइल इंटरनेट, जिन पर वो पैसे खर्च करता है। अब उनका खर्चा केवल भोजन पे डिपेंडेंट नहीं रह गया है, जिसके बेसिस पर रूरल हाउस होल्ड्स के लिए ये वेजेस डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन इसे आज तक रिवाइज नहीं किया गया, 30 साल बीत चुके हैं। लेकिन सरकार ने अभी इस चीज़ को संज्ञान में लिया है। सरकार इस बात को समझ चुकी है कि अगर रूरल एरियाज़ में डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो इकॉनमी रिवाइव नहीं कर पाएगी। रूरल एरियाज़ में अगर हम डिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों के वेजेस बढ़ाने होंगे ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो। उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई होगी, इकॉनमी रिवाइव करेगी। इसी बात को संज्ञान में लेकर सरकार के स्टैटिस्टिकल मशीनरी ने एक काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कंज्यूमर प्राइसेस एक्सपीरियंस को रूरल इंडिया में या उसके ट्रेंड को कैप्चर किया जाएगा कि आखिर रूरल एरियाज़ में लोग किन किन चीज़ों पर अब पैसा खर्चा करने लगे हैं। इस चीज़ को कम्प्लीट करने के बाद जो मनरेगा के वेजेस हैं उनको भी रिवाइज किया जाएगा, पूरी संभावना है कि उनको बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में वेजेस 178 रुपये पर डे हैं। फाइनली ये बहुत ही लंबे समय से ओवरड्यू था, जहां पर सरकार ने इस कदम को उठाया है तो हमें इसे वेलकम करना चाहिए। सरकार इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है, ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं जो बहुत लंबे समय से नहीं उठाए गए थे। देखिए वो बास्केट ऑफ आइटम्स जिनके बेसिस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर डिसाइड किया जाता है, उदाहरण के तौर पे, वो पिछले 3 दशकों से अपडेट नहीं किया गया है। पहले लोग जिन चीज़ों पर खर्चा करते थे 30 साल पहले, उन्हीं आधारों पर आज भी उन्हें वेजेस पे किए जाते हैं, लेकिन आज उनका खर्चा करने का पैटर्न बदल चुका है। आज वो कई अन्य चीज़ों पर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और अदर तरीके के जो कोर्सेस हैं, टेलीकॉम, उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके वेजेस बढ़ने चाहिए और एक नया इन्फ्लेशन इंडेक्स तैयार किया जाना चाहिए। फूड प्राइसेस के बेसिस पर महज आज उन्हें पे करना ये गलत है। एक बार इस बास्केट को कंस्ट्रक्ट कर लिया गया कि रूरल एरियाज में किन किन चीज़ों पर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री लेबर ब्यूरो के साथ मिलकर एक नया CPI AL तैयार करेगी। CPI AL के साथ ही मनरेगा के वेजेस भी लिंक्ड हैं, उसी के बेसिस पर उन्हें पे किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर, वो किन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं उसी के बेसिस पर मनरेगा में वेजेस दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन वेजेस में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका एनुअल रिव्यू भी किया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। अगर ये इंडेक्स सही समय पर रिवाइज कर दिया गया तो इससे रूरल इकॉनमी रिवाइव करेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जल्दी से जल्दी करना भी चाहती है। अगर ये सब कुछ समय से फाइनलाइज हो गया तो मनरेगा के वेजेस को इसी साल बढ़ा दिया जाएगा। 2020-2021 के फिस्कल ईयर का सरकार इंतजार नहीं करेगी। ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार रूरल इकॉनमी को रिवाइव करने की दिशा में गंभीर है। वो इस बात को समझते हैं कि अगर इंडिया की जो स्लोइंग इकॉनमी है उसे रिवाइव करना है तो हमें रूरल इकॉनमी को भी रिवाइव करना होगा। जो स्लो डाउन नैरेटिव है सरकार जिसे अभी तक एड्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रूरल एरियाज कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए वो अर्बन एरियाज को हिट कर रहे थे। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को बदल दिया लेकिन जो डिस्ट्रेस विलेजेस हैं वहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में भी एक कदम उठाया है जिसका स्वागत इकोनॉमिक एरिना में किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी बात को संज्ञान में लिया था अपनी एनुअल रिपोर्ट में। उन्होंने ये बोला था कि 2018-19 के जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ पर रूरल डिमांड काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हुई है। ये सीरियस कंसर्न है, सरकार को इसे टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। रूरल डिस्ट्रेस इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि आज उनके पास काम नहीं है, सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल हिंदी के बारे में है, आप इसे पेपर टू के इस पार्ट से जोड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी हाल ही में ये बोला कि पूरे भारत को एक लैंग्वेज हिंदी ही जोड़ सकती है। इसके बाद उनका काफ़ी विरोध स्टार्ट हुआ, सदन स्टेट्स इस बारे में लेकर काफ़ी क्रिटिकल हुए। राइटर को भी ये बात पसंद नहीं है। राइटर बोलते हैं कि हिंदी को पूरे देश में इम्पोज करने का प्रयास इसके पहले 1965 की एट दैट टाइम की सरकार ने किया था, जिसके बाद देश भर में काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और जो सदर्न इंडियन स्टेट्स थे उन्होंने इसे अपने कल्चर के ऊपर हमला भी माना था। जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो ये मानते हैं कि वो द्रविड़ियन लैंग्वेज स्पीकर हैं और हिंदी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ये उनके लिए वैसे ही स्ट्रेंज है जैसे कि इंग्लिश, इसीलिए वो हिंदी को इम्पोज करना खुद के ऊपर स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतिहास में ऐसे कई सारे घटनाक्रम पाते हैं जहां पर अलग अलग सोसाइटीज़ ने कुछ लैंग्वेजेस को बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तब जब वो उस लैंग्वेज को एडमायर करते थे, पसंद करते थे। आप लैंग्वेज को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, लैंग्वेज अपनी यूटिलिटी के बेसिस पर एक्सेप्ट की जाती है। अगर हिंदी सदर्न स्टेट्स के लिए यूटिलिटेरियन साबित होगी, उपयोगी साबित होगी, अगर वो उसे एडमायर करेंगे, उसे पसंद करेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप उन्हें ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करने के लिए बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल रशिया के जारिस्ट कोर्ट में किया जाता था। रशिया के राजा को जार कहा जाता है तो उनके कोर्ट को आप जारिस्ट कोर्ट बोल सकते हैं। उनके दरबार में फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, क्यों? क्योंकि वो फ्रांस की पॉलिटिकल, कल्चरल और साइंटिफिक एडवांसेस से काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल अपने कोर्ट में करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज को पसंद करते थे, क्योंकि वो फ्रांस के डेवलपमेंट से प्रभावित थे। अगर सदर्न इंडियन स्टेट्स हिंदी के एडवांसमेंट को लेकर, हिंदी की यूटिलिटी को लेकर प्रभावित होंगे, उसका फ़ायदा महसूस करेंगे तो वो स्वतः ही उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। उनके ऊपर थोपे जाने से काम नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को साउथ इंडिया में एक्सेप्ट किया जाए तो साउथ इंडिया के लोगों को भी वैसा ही ओपिनियन रखना होगा जैसे नॉर्थ इंडियन लोग सोचते हैं कि हिंदी उनके लिए उपयोगी है। अगर साउथ इंडियन लोगों को ऐसा नहीं लगता तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो बात हो गई उपयोगिता की, यूटिलिटी की। अब आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। IIT के कुछ यंग रिसर्चर्स ने मशीन लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु के स्लम्स में रहने वाले, 5 बड़े स्लम्स में रहने वाले लोगों को किस आधार पर वेजेस दिए जाएं, जब इन पैरामीटर्स को डिसाइड करने की कोशिश की कि उनकी स्किल्स के बेसिस पर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी व्यक्ति को कितना वेज दिया जाए, तो हम क्या 5 चीज़ें देखें जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करें कि उन्हें कितना वेज दिया जाए। तो जब ये मशीन लर्निंग टेक्निक इस चीज़ को एनालाइज कर रही थी तो उसमें 2 पैरामीटर्स उन्होंने बताए। पहला, इंग्लिश की नॉलेज, जो टॉप प्रायोरिटी पर उन्होंने रखा, और दूसरा, इंटरनेट एक्सेस। अगर स्लम में रहने वाला कोई व्यक्ति इंग्लिश की नॉलेज रखता है तो उसे ज़्यादा वेजेस दिए जाएं, अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानता है तो उसे ज़्यादा वेजेस दिए जाएं। जेंडर, कास्ट या हिंदी की नॉलेज पैरामीटर नहीं था, मतलब इकोनॉमिकली भी हिंदी का इस्तेमाल अभी भी साउथ इंडिया में वाइएबल नहीं है। तो आखिर वहाँ के लोग हिंदी को क्यों एक्सेप्ट करेंगे जब उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है? देखिए, ज़रूरी नहीं कि एक कॉमन लैंग्वेज ही भारत के सभी लोगों को एक साथ जोड़ सके। हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही लंबी शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से जो सदियों पुरानी है। हम सभी वैसे ही जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी हिस्ट्री में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेजेस फेस किए हैं जहाँ पर हमने देखा कि बिना यूनिफाइड लैंग्वेज के भी पूरा भारत एक रहा। किंग अशोक का एग्जाम्पल लेते हैं, जब मौर्य डायनेस्टी को रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरे टेरिटरी में दूर दराज के किंगडम्स को अपनी आइडियल्स, अपने आदर्शों के जरिए जोड़ लिया था। जो अशोकन एडिक्ट्स हैं
वो दुनिया पूरे भारत में, दुनिया भर में नहीं पूरे भारत में जगह जगह पर लगाए गए थे, जो एक ही बात बोलते थे कि हर व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति के धर्म का सम्मान करना है और लोगों के प्रति दया भाव रखना है। अपने इन आदर्शों के चलते उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। लैंग्वेज की बात करते हैं, इन एडिक्ट्स की लैंग्वेज आपको अलग अलग दिख जाएगी। आप ईस्टर्न सबकॉन्टिनेंट में जाइए, आपको मगधी लैंग्वेज मिलेगी, आप जो कि अशोक के कोर्ट की भी लैंग्वेज थी। आप वेस्टर्न पार्ट में जाइए तो आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो संस्कृत के क्लोज है। इसके इतर आप अफगानिस्तान में जाइए, उनके एडिक्ट को देखिए, जो उनके पाषाण स्तंभ हैं, पत्थर के जो स्तंभ हैं, वहाँ पर आपको बायलैंग्वल लैंग्वेजेस में उनके जो आइडियल्स हैं वो लिखे मिलेंगे, एरेमिक में और ग्रीक में। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लैंग्वेज को आधार बनाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने आदर्शों को आधार बनाकर पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का प्रयास किया। वो सफल भी रहे, उन्हें इस बात की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से थी कि वो नैरो लैंग्विस्टिक नेशनलिज्म के जरिए लोगों को नहीं जोड़ सकते, वो अच्छे आदर्शों के जरिए ही लोगों को जोड़ सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी को इंश्योर करते हुए। ऐसा ही आज भारत को भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया, आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।